जय भोले की, सावन के सोमवार की मेरी तरफ से सबको बधाई। और आज मैं कुट्टू की पकौड़ी बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये कुट्टू का आटा व्रत का छान रखा है। आलू हैं जिनका पानी मैंने स्टार्च निकाल दिया है, बिल्कुल सूखे आलू, काली मिर्च, लाहौरी नमक, इसे सेंधा नमक भी बोलते हैं, और रिफाइंड, या आप इसे शुद्ध देसी घी में भी बना सकते हैं, हरी मिर्च और फ्रेश हरा धनिया और पानी। और इसमें क्या कर, इसमें आप हरी मिर्च अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि किसी घरों में हरी मिर्च नहीं खाई जाती, पर हम लोग खाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा हरी मिर्च का प्रयोग किया है इसमें। अब इसमें डालूंगी मैं पहले स्वाद अनुसार नमक। नमक मैं कम ही खाती हूँ, इसीलिए मैं कम ही रख रही हूँ। दूसरा काली मिर्च और तीसरा फ्रेश हरा धनिया और हरी मिर्च, ये ऑप्शनल्स हैं, आप डाल सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो। फिर मैं इसको पानी की सहायता से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक मैं बैटर बना लेती हूँ। अब इस बैटर को थोड़ा सा 5 मिनट का रेस्ट देते हैं ताकि ये अच्छे से फूल जाए। ये मैंने आटे में फूलने के बाद आलूओं को मिला दिया और अच्छे से कोट कर दिया, और मैंने पहले रिफाइंड लगा दिया था और गैस को हाई से मीडियम पे रखना है। फिर धीरे धीरे कोट करे हुए आलूओं को एक एक करके कढ़ाई में मीडियम से छोड़ दीजिए। यह है मेरी पकौड़ी, स्लो गैस पर तली जा रही है ताकि ये अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। देखिए पकौड़ियों का कलर चेंज हो गया है आलू का। अब ये बस थोड़ी देर के बाद खाने के लिए थोड़ा तैयार हो जाएंगी। मैंने इनको स्लो गैस पर बनाया। ये पकौड़ी दही के साथ, मैंने दही में काली मिर्च, सेंधा नमक यानी कि व्रत का नमक, खीरा और क्रिस्पी पकौड़ी, ये व्रत की थाली तैयार है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, हमेशा आप जब भी व्रत की पकौड़ी बनाएं तो वो सोयाबीन ऑयल में नहीं बनाएं, क्योंकि वो अन्न में आता है, इसलिए या तो शुद्ध देसी घी में या फिर सनफ्लावर ऑयल में आप बना सकते हैं, सोयाबीन में ना बनाएं।